हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम ऑफ स्टैंडिंग अप एंड सेटिंग डाउन। सो सबसे पहले एज यूजुअल जो कि हमें पता है कि सबसे पहले हम स्टैंडिंग अप का एसेंशियल कंपोनेंट देखेंगे। इससे पहले अगर आपको एसेंशियल कंपोनेंट और जो MRP के स्टेप्स हैं उसका मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है ऑफ MRP, आप पहले जाके उसको देख लें तो उससे आपको जो यहाँ पे मैं स्टेप्स की और एसेंशियल कंपोनेंट की बात कर रही हूँ वो क्लियर हो जाएगा, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडिंग अप के एसेंशियल कंपोनेंट की। तो फुट प्लेसमेंट होगा, इंक्लिनेशन, जैसे अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो आप एक चेयर पे बैठे हो और आप अब खड़े हो रहे हो, ठीक है। तो आप कैसे, आप उसके स्टेप्स को बाइफरकेट करो कि सबसे पहले आपका फुट होगा वो प्लेस होगा ज़मीन के ऊपर, ठीक है। फिर आप अपने ट्रंक को आगे की तरफ लेके आओगे जिससे कि आपके ट्रंक पे क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। हिप पे क्या होगा, फ्लेक्शन होगा विद एक्सटेंशन ऑफ नेक एंड स्पाइन। फिर आपका मूवमेंट ऑफ नीज फॉरवर्ड होगा, आपके घुटने नीज थोड़ा आगे जाएंगे, एंड देन देर विल बी एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड नी फॉर फाइनल स्टैंडिंग अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो पहले इसकी ट्रंक आगे आ रही है, फिर हिप पे फ्लेक्शन हो रहा है, फिर नीज फॉरवर्ड आए हैं, एंड देन हिप एंड नी का एक्सटेंशन हो गया इन दी फाइनल स्टैंडिंग पोजिशन। ये इसका फ्रंट व्यू है, एंड दिस इज़ द लाइन डायग्राम जिसमें आपको नी और हिप की और ट्रंक की ट्रैजेक्टरीज मिल रही हैं। अब एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है सिटिंग डाउन का। अब आप वापस स्टैंडिंग से बैठ रहे हो तो उसमें क्या क्या होगा कि इंक्लिनेशन ऑफ ट्रंक फॉरवर्ड, आप ट्रंक को फॉरवर्ड लेके जाओगे जिसकी वजह से आपके हिप पे फ्लेक्शन होगा विद एक्सटेंशन ऑफ नेक एंड स्पाइन, मूवमेंट ऑफ नीज फॉरवर्ड एंड देन नी फ्लेक्शन एंड देन यू विल सिट डाउन। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या होगा, एनालिसिस ऑफ टास्क। तो थेरेपिस्ट क्या ऑब्जर्व करेगा, पेशेंट का बॉडी अलाइनमेंट वाइल स्टैंडिंग अप एंड सेटिंग डाउन, और उसमें जो भी कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा है उसको हम नोट डाउन करेंगे, और कोई भी कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी जो पेशेंट यूज़ कर रहा है उसको हम नोट करेंगे कॉमन प्रॉब्लम में। अब कॉमन प्रॉब्लम में पेशेंट क्या क्या होगा कि जो जब वो स्टैंडिंग अप पोजीशन में जा रहा है या सिटिंग डाउन पोजीशन में आ रहा है तो जो वेट है वो इंटैक्ट साइड पे ज़्यादा पड़ रहा है, वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट नहीं कर पा रहा है। पेशेंट ट्राइज टू शिफ्ट वेट फॉरवर्ड बाय फ्लेक्सिंग द ट्रंक एंड हेड इंस्टेड ऑफ द हिप्स, क्योंकि हमें हिप को फ्लेक्स करना है ना कि ट्रंक और हेड को। देन फेलियर टू प्लेस द अफेक्टेड फुट इंश्योर दैट द पेशेंट हु ऑलरेडी हैज़ दिस टेंडेंसी विल स्टैंड अप एंड सिट डाउन विद ऑल वेट टेकन थ्रू द इंटैक्ट फुट। जैसा कि आप पहली इमेज में देख रहे हो कि जो पेशेंट का वेट है वो पूरा इंटैक्ट साइड पे है, जो अफेक्टेड साइड है वो बैकवर्ड है और इसका वाइड बेस ऑफ सपोर्ट है। जो दूसरी इमेज आप देख रहे हो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि जो पेशेंट है वो बिना किसी की मदद के नहीं उठ पा रहा है, नीज एंड शोल्डर्स जो हैं पेशेंट के वो इतना इनफ नहीं मूव किए हैं कि जिससे हमारा हिप और नी स्ट्रेट हो जाए, यानी कि एक्सटेंशन पोजीशन में आ जाए जो कि फाइनल पोजीशन है फॉर स्टैंडिंग अप। अब हमें प्रैक्टिस करानी है मिसिंग कंपोनेंट की। तो सबसे पहले आपने पेशेंट का मिसिंग कंपोनेंट देख लिया, अब अगर मान लो हमें ट्रंक इंक्लिनेशन फॉरवर्ड एट हिप्स, अगर उसका ये कंपोनेंट मिसिंग है, ठीक है, तो हमने पेशेंट को क्या कराया कि हमने उसको ये वाली पोजीशन में बैठा दिया, ठीक है, जैसे कि वो बैठा हुआ है, ठीक है। और हम पेशेंट को फिर क्या बोलेंगे कि आप अपने शोल्डर को अपने फीट के पैरों के फ्रंट में लेके आओ एंड पुश डाउन एंड बैक थ्रू योर फीट। मतलब कि जैसा इस इमेज में आप देख रहे हो पेशेंट ने नी जो उसके फीट हैं वो पूरे ज़मीन पे लगे हुए हैं, ठीक है, नीज आर ओवर द थोड़ा सा आगे हैं फीट से, ठीक है। और हम पेशेंट को क्या बोल रहे हैं कि आप उठो, ट्रंक को थोड़ा, ट्रंक और हेड को थोड़ा आगे लेके आओ और अपने नीज से और फुट से डाउनवर्ड प्रेशर लगाओ ताकि पैरों पर जोर पड़े, ठीक है। इसमें हमें क्या चेक करना है कि हमें पेशेंट में रेस्ट हिज आर्म ऑन थेरेपिस्ट वेस्ट इफ नेसेसरी, जैसे थेरेपिस्ट ने असिस्टेंस दे रखा है और पेशेंट को सामने देखना है इसमें, तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम पेशेंट को कराए देंगे, ठीक है। फिर स्टेप थ्री में क्या करना है, इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन। तो हमें प्रैक्टिस करानी है कौन सी, स्टैंडिंग अप की एंड सिटिंग डाउन की। तो पेशेंट में नीड असिस्टेंस ऑफ पीपल टू स्टैंड, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है या फिर ओवरवेट है तो दो लोगों की भी उससे हेल्प हो सकता है चाहिए हो। अगर हम एक हाई चेयर दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है वो आसानी से स्टैंड हो जाएगा, मतलब जितनी ज़्यादा चेयर की हाइट होगी उतनी आसानी से पेशेंट स्टैंड हो जाएगा, और जितनी कम चेयर की हाइट होगी उतना ज़्यादा उसे खड़े होने में प्रॉब्लम होगी। ये क्यों होगा,
क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी चेयर की हाइट कम होगी उतना ही ज़्यादा हिप और नी पे फ्लेक्शन होगा और उतने ही उसे एक्सटेंशन पोजीशन आने में अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए देन प्रैक्टिस ऑफ सिटिंग डाउन इम्प्रूव कंट्रोल ओवर मोर डिफिकल्ट एक्शन ऑफ स्टैंडिंग अप बिकॉज ऑफ ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंसर्स वाइल सिटिंग डाउन। जैसे कि द पेशेंट में रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ टू और मोर पीपल, जैसे इसमें आपको दिखा, और अगर हायर चेयर होगी तो इसमें हमें मिनिमल असिस्टेंस देना पड़ेगा पेशेंट को। अब इसमें हम और एक्सरसाइज क्या करेंगे कि विद द पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, शोल्डर एंड नीज फॉरवर्ड, द पेशेंट प्रैक्टिस स्टैंडिंग अप, तो थेरेपिस्ट क्या देता है, उसे आइडिया देता है मूवमेंट को ऑफ पुशिंग डाउन थ्रू हिज अफेक्टेड फुट। तो इसमें हमें क्या चेक करना है कि जो पेशेंट वेट ले रहा है वो अफेक्टेड और इंटैक्ट साइड बराबर ले रहा हो। द थेरेपिस्ट डू नॉट एक्सटेंड द नीज पैसिवली बैकवर्ड बिकॉज व्हेन इट शुड बी शिफ्टिंग फॉरवर्ड। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है इन द स्टैंडिंग अप पोजिशन। द रिवर्सल ऑफ स्टैंडिंग अप करना है हमें दूसरी एक्सरसाइज में, एंड द थेरेपिस्ट मे नीड टू हेल्प द पेशेंट विद द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड नीज एट द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट। इसमें हमें चेक क्या करना है कि जो हमें पेशेंट के पास इतना ज़्यादा पास में या बहुत उसके आर्म्स होल्ड करके नहीं खड़े होना ताकि उसका फॉरवर्ड मूवमेंट ना हो पाए। ठीक है, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी क्या करनी है हमें, स्टूपिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, स्टॉपिंग इन डिफरेंट parts of the range, changing direction कर सकते हैं, standing up from different surface, walking off to one side while talking, while holding an object. Step 4 में क्या आता है, transfer of training, कि इसमें हम patient को transfer of training सिखाते हैं, plus मैंने sit to stand का एक detail biomechanics का जो video है वो भी अपने channel पर डाल रखा है, in case you want I will link that too. Thank you.